वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ फिर से एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ जो अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वो है लव लव एलिगेंट बेबी कैरियर। ये आपको बॉक्स से ही पता चल रहा होगा कि मैं किसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। वीडियो में मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी कहाँ से लिया, कैसे कैरी करना है, क्या प्राइस है, क्या बेनिफिट है इसके, आप इसे कैसे ले जा सकते हैं अपने बच्चे को बाहर, और कितना अच्छा है ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए क्या हेल्पफुल है, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसे ये कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये लव लैब का एलिगेंट बेबी कैरियर बैग है। ये कंफर्म टू यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड है। आप समझ सकते हो जब कंफर्म हुआ है यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड से तो ये कितना अच्छा होगा, कितना सेफ होगा आपके बच्चे के लिए, तो आप समझ सकते हो काफ़ी सेफ है। इसके बाद इसके अंदर आते हैं इसके फीचर और हाईलाइट। उसके बाद इसके अंदर आते हैं इंस्ट्रक्शन आ रही है आपकी कि कैसे आपको इसे लेना है। तो ये 4-in-1 केयरिंग पोजिशन है, 4-in-1 कैरिंग पोजीशन है। आप इसे कैसे कैसे ले सकते हो वो सब यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है। आप इसे ले सकते हो, ये देखिए, फीडिंग पोजीशन में ले सकते हो, फ्रंट पोजीशन में ले सकते हो, फ्रंट पोजीशन फेस आउट आप ले सकते हो, पिगी बैग स्टाइल भी आप इसे ले सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये इतना हल्का है, आपको इतना लाइट वेटेड मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा कि आप इसे खरीद के पछताओगे नहीं। वैसे तो सस्ते भी आते हैं काफ़ी, आपको 300-400 में इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो काफ़ी सस्ते होते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये सस्ता सा ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैरी ही तो करना है बच्चे को, लेकिन आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए। आपको थोड़ा अच्छा देख के लेना चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो ये मेरे को बेस्ट लगा है, इसे आप ले सकते हो। ये काफ़ी लाइट वेटेड है, ब्रीदेबल है, इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट है, जो बच्चे की स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। दूसरा ये होता है अगर आप सस्ता सा ले रहे हो तो उसके जो ये पट्टियाँ होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, आपके शोल्डर पे उसी का वज़न होता है, तो इसका वो इशू नहीं है। इसका बहुत ही लाइट वेट है, वज़न का कोई इशू नहीं है। बच्चे को कैरी करने में सॉफ्टनेस है इसके अंदर, और अच्छे से एकदम बच्चे को पैक कर लेता है। मैं आपको करके दिखाऊंगी वो सब। तो चलिए मैं बॉक्स को खोल लेती हूँ और दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो औरों की नहीं होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके की पैकिंग में मिलेगा आपको। लव लैब काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, मैं टच करके बता रही हूँ आपको, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी ब्रीथेबल है, और एकदम रुई जैसा है। बच्चे का हेड जहाँ पे होगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट है, एकदम फॉर्मी है। और ये देखिए आपको यहाँ पे पॉकेट भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी स्पेस है पॉकेट में। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो औरों में आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, मैंने ये नेवी ब्लू कलर मंगाया है, आप चाहो तो कोई और कलर भी मंगा सकते हो, काफ़ी कलर आपको मिल जाएंगे। पीछे से ये कुछ इस तरीके का है, और मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे स्कूल बैग में होते हैं कुछ इस तरीके की चटकनियाँ सी हैं, इनको आप ऐसे प्रेस करके खोल सकते हो। ये देखिए, ये शोल्डर पर डालना है, और अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये अलग से इसमें आपको एक बेल्ट मिलेगी, जो ये देखिए इतनी है, और इस बेल्ट को आपको ऐसे इसके अंदर डालना है। यहाँ पे एक ही जगह दिया है, आप इजीली देख सकते हो कि कहाँ पे आपको इसे डालना है। ये पीछे की तरफ है, और आपको इसमें इस तरीके से पार कर देना है। तो ये यहाँ पे मैंने बेल्ट को निकाल दिया है, ये देखिए, और ये जो इसमें दिया हुआ है इससे आप एडजस्ट कर सकते हो बेल्ट को, आगे पीछे कितना टाइट करना है, कितना ढीला करना है, उसको आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आराम से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैरी करके कि इसे कैसे पहनना है। तो दोस्तों अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ये बैग। अब आपको बैग की जो शोल्डर है इसको डालना है इस तरीके से, जैसे हम आगे की तरफ बैग कैरी करते हैं, इसको इधर, यहाँ पे ये बेल्ट है, इस चीज़ को अंदर की तरफ फोल्ड करना है,
बड़ी वाली बेल्ट है, इसको ले जाना है कमर के पीछे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये लगा लिए, ये देखिए। और यहाँ पीछे की तरफ दो बेल्ट है आपको दिखाई दे रही है, एक शोल्डर के पास है सपोर्ट के लिए, ये आप किसी से लगवा लें। तो ये दोनों बेल्ट आपको पीछे की तरफ लगानी है, फिर मैं आपको फ्रंट का बताती हूँ। यहाँ पे आपका बेबी सीट हो जाएगा इजीली, ये रहा। और ये वाली जो बेल्ट है इसको आपको लगाना है, ये देखिए यहाँ पे है, इनके अंदर दोनों साइड से आप इसी तरीके से लगाए, ये रहा। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका बेबी सेट होगा और उसके पैर इस तरफ बाहर आ जाएंगे। ये वाली जो है, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने शोल्डर के हिसाब से, जैसे आपको एडजस्ट करना है, इसमें एडजस्ट करने का दिया हुआ है। उसके बाद तीसरी वाले बचते हैं, तो ये लगेंगे आपके यहाँ पे। दोनों साइड दिए हुए हैं, दोनों साइड आपको इस तरीके से लगा लेना है। इधर से बच्चे के हाथ बाहर आ जाएंगे, और ये जो पोर्शन आपको दिया हुआ है ये बच्चे के नेक सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, ताकि आप बच्चे का नेक इस पर होल्ड रहे, वो इधर उधर गर्दन को ना करें। तो आपको ये कुछ इस तरीके से कैरी करना है दोस्तों, और जब बच्चे का फेस आपकी तरफ है तब आपको इसको लगाना है, ताकि बच्चे का जो सर है वो इस तरीके से होल्ड रहे, वो इधर उधर उसे घुमा सके, इधर उधर ऐसे ऐसे लटके ना। अगर आपके बच्चे का फेस बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ देख रहा है, तब आप इसे यहाँ से निकाल सकते हो, ये यहाँ से निकल जाता है आराम से। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से निकल जाएगा इजीली। आप इस तरीके से अपने बच्चे को इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं मार्केट में हो, आप बच्चा गोद लेते लेते थक गए हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कहीं घूमने जा रहे हो तो भी काफ़ी अच्छा है। आप आराम से बच्चे को इसमें बैठा के आराम से फ्रीली, एकदम आपके हाथ फ्री हो जाते हैं, जो एक गोद में लहाते लहाते बच्चे को दर्द करने लगता है हमारा शोल्डर भी, कभी किसी को पकड़ाओ कभी किसी को पकड़ाओ, तो उस उन सब चीज़ों के अच्छा है कि हम ऐसा कैरी बैग लें, और बच्चा इसमें आराम से रहता है, सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, और मॉम और बच्चे के बीच का कॉन्टेक्ट भी बना रहता है, उसे कोई डर नहीं रहता। और अब मैं आपको बच्चे को इसमें सिट करके दिखाती हूँ कि कैसे बैठेगा बच्चा। और ये देखिए, मैंने अपने बच्चों को इसमें ऐसे कैरी किया हुआ है, ये वाले आपको इधर लगाने हैं। मेरा बच्चा अभी सो रहा है आराम से, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसमें एडजस्ट करने का है आपको कितना टाइट रखना है या कितना ढीला रखना है, दोनों साइड से आप कर लीजिए। और ये देखिए आपका बच्चा एकदम सेट है, अब आप अपने फ्री हाथों से आराम से घूम सकते हो। शोल्डर्स वाले भी आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको एडजस्ट करने हो, और इसको मैं यहाँ पर टाइट भी कर लूँगी। देखिए